हाय एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज ये ब्लॉग वीडियो में दुर्गा पूजा ही दिखाएंगे, और दुर्गा पूजा आने में कम से कम 6 या 7 दिन रह गया। तो मेरे तरफ से सबको दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं देते हैं। आज भी आए हैं दुर्गा पूजा पंडाल दिखाने के लिए। तो आज आए हैं कदमा, तो कदमा में टॉप 4 दुर्गा पूजा पंडाल दिखाएंगे। तो आज दिखाते कौन सा, ये फर्स्ट दिखा रही है कदमा मेला। जो कदमा अभी 2 दिन में अभी मेला ख़त्म हुआ है, उसका कुछ झूला वगैरह अभी तक है ही है। तो कदमा का जस्ट गणेश मेला उसके बगल वाला दिखाते हैं। चलिए, किस तरह का ये पंडाल बन रहा है उसी को थोड़ा सा दिखाते हैं। तो सो ये देख सकते हैं, ये है दुर्गा पूजा पंडाल जो कि गणेश पूजा पंडाल के बगल में जस्ट बनता है। और ये पिछले वाले देखे थे तो ये कनक मंदिर पिछला उड़ीसा का बना था, और इस बार भी बहुत ही बड़ा पंडाल दिख रहा है। और देखते हैं थोड़ा सामने जाके किस तरह का है, लेकिन सामने जाएंगे तो उतना बेहतरीन से नहीं दिखाई देगा, तो दूर से ही अच्छा दिखाई देगा। चलो थोड़ा सामने देखते हैं किस तरह का। ये लोग डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना खास यहाँ भी नहीं बन रहा है। मतलब अभी वही लकड़ी वगैरह ही लगा है, अभी मटेरियल वगैरह अभी नहीं लगा है। तो इस तरह का ये बन रहा है। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं अंदर से, अभी कोई है नहीं है। तो ये देख सकते हैं इस तरह का ये बन रहा है, लेकिन सामने से तो बोले ना कि कुछ ज़्यादा कुछ दिखाई देगा भी नहीं, बाहर से ही कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था। और यह का बेहतरीन बनते ही है। और आगे फ्रंट में आ गए जो कि यहाँ दुर्गा माँ रहते हैं। और चलिए दिखाते हैं, ये सब इस तरह का है। यहाँ भी आएंगे जब बन के कम्प्लीट होगा तब। तो ये थोड़ा साइड एंगल से वीडियो बना रहे ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिख पाए आप लोग क्या बन रहा है क्या नहीं। और थोड़ा सा यहाँ दूर आते हैं उसके बाद दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा दूर में है, तो इस तरह का यहाँ बन रहा है। यहाँ का बहुत ही अच्छा बनता है, और यहाँ बहुत अच्छा यहाँ एक प्रोग्राम होता है उड़िया, ये सब क्या क्या ऑर्केस्टर बोलते हैं उसको, आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ जम सकते हैं आप लोग आना, यहाँ बहुत बड़ा यह पंडाल बन रहा है। चलिए यहाँ से निकलते हैं और दूसरा जगह का दिखाते हैं आप लोग। तो ये भी अब ये दूसरा पंडाल में आ गए। ये पंडाल जो बन रहा है रंकनी मंदिर के जस्ट बगल में, तो उसी को दिखाएंगे किस तरह का ये पंडाल बन रहा है। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे में कितना ग्रीन ग्रीन, ये बहुत ही बढ़िया बन रहा है। और ये थीम दार्जिलिंग का कुछ, दार्जिलिंग का जो होता है ना कुछ, ये थीम उस तरह का बन रहा है। और इंटरेस्टिंग बात दिखाएंगे तो अभी पहले ये पंडाल को थोड़ा दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह का ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये दार्जिलिंग का थीम डेकोरेट किया जा रहा है भैया ने बताया। और इस तरह का है ये, आप लोग देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। अभी तो दुर्गा पूजा आने में 6-7 दिन बाकी रह गया, तो ये पंडाल भी बनना कंप्लीट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो चलिए अंदर का सीन दिखा देते हैं, इस तरह का बाहर से तो दिख रहा है। ये अंदर का सीन तो इस तरह का है, और ये जो बन रहा है क्या चीज है, नारियल का छिलका से ये बन रहा है। तो बनेगा तो और बेहतरीन लगेगा। तो ये देख सकते हैं इधर से एंट्री गेट है, ये गुफा टाइप का लग रहा है। अभी भी ये पेंट किया जा रहा है, भाई सब ने भी लागे पड़े हुए हैं। ये लोग जब कंप्लीट करके देंगे तभी हम लोग अच्छा से देख पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो पटरी देख रहे हैं, ये पटरी में ट्रेन जाएगी, ट्रेन तो उसी को दर्शाया गया कि दार्जिलिंग में किस तरह लोग स्टे करते हैं, वही हम लोग भी देखेंगे। चलिए ट्रेन को थोड़ा दिखाते हैं। सो ये देख सकते हैं इंडियन रेलवे जो कि यही वाला रेलवे जाएगी वो पंडाल के पास। तो ये देख सकते हैं यही पटरी बन रहा है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इस बार मैं लुक को चेंज किया है यहाँ का। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रेलवे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से जाएगी पंडाल तक जाके आना जाना करेगा। और आप लोग
जमशेदपुर या आदरकर से आप लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ भी ज़रूर आना। ये रंकनी मंदिर के बगल में बन रहा है और हमको लग रहा है यहाँ का कदमा का सबसे बेस्ट इस बार का यहाँ का होने वाला है। तो सो ये देख, पहले हम लोग दुर्गा पूजा पे गणेश पूजा के बगल वाले ही देखते थे, यहाँ आते नहीं थे, लेकिन इस बार का बहुत ही लुक अलग हो गया है। तो सो ये देखते हैं, इससे ट्रेन पे जाएगी पंडल तक। सो ये देख सकते हैं, ये है रानी कुदर कदमा जो कि बहुत ही बेहतरीन पंडल बन रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब होने वाला है और दो दिन लग जाएगा, दो तीन दिन ये बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है, थोड़ा लाइट की कमी हो जा रहा है मेरे मोबाइल में, तो चलिए इसको थोड़ा दिखाते हैं अच्छा से। से दिखा देंगे, अभी अंदर नहीं घुसेंगे, अभी काम चल रहा है, गेट बंद कर दिया है। और ये देख सकते पूरा जस्ट सामने से आके दिखा दे रहे कि इस तरह का ये रानी कुदर का दुर्गा पूजा पंडल बन रहा है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही बड़ा पंडल है जो कि कैमरा में भी कैप्चर उतना हो नहीं पा रहा है। जमशेदपुर से या अदरवाइज कहीं से भी हैं, यहाँ भी आप लोग जरूर आना। ये रानी कुदर कदमा का ये आप लोग आना और यहाँ देखना, यह दर्शन करना। बहुत ही खूबसूरत अंदर का भी बन रहा है, लेकिन अंदर जाने मना कर दे रहा है तो अंदर नहीं घुसेंगे। चलिए यहाँ से निकलते हैं और आप लोग को बेहतरीन दिखाते हैं दुर्गा पूजा पंडल। ये भी ये पंडल देख सकते हैं, ये फोर्थ पंडल है जो कि कदमा का ही है, ये मुख्य समाज का यह पंडल बनता है और ये भी बन के अच्छा ही लगेगा। और अभी यहाँ इसको डेकोरेट नहीं किया गया है, डेकोरेट करना भी बाकी है। और ये तीनों पंडल से थोड़ा सा छोटा है, यहाँ भी आना आप लोग जब आएंगे तो कदमा तो इसको भी देखते हुए चले जाओ। तो ये कदमा का फोटो दुर्गा पूजा पंडल दिखा दिए और बहुत ही अच्छा बन रहा है, ज़रूर आप लोग जाना और बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा इस बार का डेकोरेट किया जा रहा है, आप लोगों को दिखा दिए। और क्या बोले, ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं करते हैं, ब्लॉग को भी यही एंड कर देते हैं। हम आज ब्लॉग घर में आके एंड कर रहे हैं और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल पर, नहीं तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरा नया ऑडियंस है, आप लोग भी अगर मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस वीडियो में हम कम से कम 20 लाइक चाहते हैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो ओके बाय, मिलते हैं दूसरा।